कॉन्ट्रैक्टर धरना पे आए हैं। BSNL कॉन्ट्रैक्टर का बकाया बैलेंस है, वो पिछले 8-10 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा है, एक साल से पेमेंट नहीं कर रहा है। पूछने पर बोलता आज कल कुछ बता नहीं रहा कि भाई कब देते, कॉन्क्रीट गारंटी कुछ भी नहीं बता रहे कि कब तक होगा, बट उनकी सैलरी हर महीने दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को देना सोचना चाहिए कि भाई सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी देने से नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी उसका घर, उसका एम्प्लॉय, उसका लेबर, करीब इंडिया लेवल में 30,000 कॉन्ट्रैक्टर है और 30,000 कॉन्ट्रैक्टर के पीछे 3,00,000 एम्प्लॉय है, 3,00,000 एम्प्लॉय के पीछे 50,00,000 लेबर काम करते हैं। इन 50,00,000 लेबरों की और कॉन्ट्रैक्टरों की मिला के सब 52,00,000 लोगों का BSNL से जुड़ा है। इन लोगों के बारे में ना सरकार सोच रही है ना BSNL के सोच रहे हैं। अधिकारी को जाके मिलते हैं, वो लोग भी कुछ बराबर बताते नहीं हैं, और CMD से जाके मिलने का चौथे अंदर भी नहीं छोड़ते, जैसे धक्का मार के बाहर निकालते हैं कि जाओ नहीं तो पुलिस में दे देंगे आप लोगों को। तो हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हम लोग आज सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर धरना कर रहे हैं, और गवर्नमेंट और BSNL सोई हुई गवर्नमेंट को और BSNL को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे बकाया पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी भुगतान हो। हम पूरे BSNL कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। यहाँ 2 दिन से इधर आ गए हम लोग, हमारा कोई 1 साल से हम OFC काम करते हैं और अलग अलग काम करते हैं। हमारा टेंडर बुलाया है, हम नॉमिनेशन पे काम नहीं करे, हम टेंडर बुलाए, वर्क ऑर्डर दिए, एस्टिमेट दिए, उसके बावजूद में भी हमारा कोई 1 साल से GST ऑन दो, हमारा को HDB भी ऑन दो, बिल्स ऑन दो, 1 साल से हमारे को बिल्स नहीं दे रहे, हम बहुत तकलीफ में। पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स हम लोग जोरू बच्चे भी रोड के ऊपर आ गए, बहुत मुश्किल में है। जितना जल्दी जल्दी से हो सके हमारे को पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, BSNL को भी। गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, क्यों नहीं देते भाई हम काम करने के बाद, ये बहुत नाइन। हम BSNL में काम करने वाला MSME वेंडर्स है, MSME का ये सब कैसा है कि 45 डेज में हमारे को पेमेंट करना, ये BSNL ने अवॉइड कर दिया, पहले अवॉइड कर दिया BSNL का पेमेंट्स हमारे को 1 साल से नहीं मिल रहे। पूरा बीवी बच्चों का साथ पूरा हम रोड पे आ गए, पूरे सब लोग मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस को नहीं चलेगा, वो एक ही प्राइवेट डिपार्टमेंट के अप्लाई है। अगर अप्लाई है तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्यों आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते उनको पेमेंट करने के लिए, थोड़ा जल्दी हमारे को थोड़ा इंसाफ करने के लिए। हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से, हमारा CMD साहब से वो हमारा गुजारिश है। हम लोग इधर पड़ा है लास्ट 1 ईयर से, दे आर नॉट रिलीज द कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सिक्योरिटी पॉइंट एंड GST अमाउंट इज मेन इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दट इज ऑल्सो दि BSNL डिपार्टमेंट नॉट रिलीज द टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। Number 2, we are paid the EMD amount by the tender. So much amount is pending EMD amount also at the BSNL. Even also they are not taking the any action. Anybody in BSNL, CMD, CGMs, GMs, employees, nobody not taking the interest. They have taken the salary every month. But contractor payment is not released last 1 year. Almost 20,000 crores rupees are pending till now today in all India contractors. So please release the payment. Taking the interest for the government of India, Minister of Communication Minister or Prime Minister Staff, you take the interest and release the contractor payment immediately. Otherwise, our contractor is going on the road. Even also, हम लोग फुट भी नहीं है, हम लोग बहुत हम लोग बैंक में बाहर साइड आदमी को बहुत हम लोग पैसा देना पड़ता है, बहुत इंटरेस्ट भी वेस्ट हो जाता है।
हाँ सुसाइड भी करने के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। सो मेनी टाइम्स वी आर रिक्वेस्टेड इन सीजीएम ऑफिस चेन्नई एंड जीएम ऑफिस हैदराबाद, सीएमडी ऑफिस, सो मेनी टाइम्स वी आर राइट द लेटर्स लास्ट वन ईयर। सो प्लीज रिलीज द इमीडिएटली ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट रिलीज करना है जल्दी। That is our main request. Sir, our demand is that the money should be paid as early as possible. If something goes wrong against contractor, we are going to take a very serious action against government. The all contractors are coming on the road. So I request ka sawal nahi hai. If something goes wrong, then I will make the BSNL as the party and will fight for the justice. గవర్నమెంట్ నుంచి బిల్స్ రాలేదు, ఈఎండి రాలేదు, జిఎస్టీ బిల్స్ రాలేదు, టోటల్ అమౌంట్ మాది బ్లాక్ అయిపోయి పిల్లలు ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. మేస్త్రీలకు డబ్బులు ఇవ్వాలా, మిషన్ వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వాలా, ఎవరికి బ్యాంకు వాళ్ళ లోన్ తీసుకున్నాము అది కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. మా పరిస్థితి రోడ్డు మీద పడిపోయింది. మమ్మల్ని ఎట్లయినా సేవ్ చేసి మా అమౌంట్ వచ్చేట్టుగా చూడాల్సిందని సీఎండిని, మినిస్టర్ను, గవర్నమెంట్ని అందరినీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. దయచేసి మా మీద దయవుంచి ఈ బిల్లులన్నీ వచ్చేట్టుగా చూడాలని కోరుతున్నాం. ఉత్పత్తి ఎలా దక్షిణ కన్నడద దక్షిణ భారతద ఓఎఫ్సి కాంట్రాక్టర్ అని జంతర్ మంతర్నల్లి ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ BSNL ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಫಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿಯವರು, ಇದು ಯಾವ ನೋಫಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಫಾನ್ ದುಡ್ಡು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಸತಿ ಅವರು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಲೇಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ EPF ಮಾಡಿರಿ, ESI ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು EPF ESI ಲೇಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸಾರಿಸಿ.